कुक विद मानसी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में जिससे आप केक को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं और उसे फ्लेवरफुल बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं या फिर आपको बेकिंग करने का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की है जहाँ मैंने बेसिक्स ऑफ बेकिंग बताया है। केक मोल्ड आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कौन से केक मोल्ड आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने उस वीडियो में उन सभी के बारे में डिस्कस किया है, तो वो वीडियो भी एक बार आप ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोज़ल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोज़ल्स हम केक की आइसिंग के लिए यूज़ करते हैं और बहुत ही तरह के डिज़ाइन हम इससे बना सकते हैं। मार्केट में नोज़ल्स की बहुत सारी वैरायटी है। ये कुछ वैरायटी मेरे पास भी है जिसमें से पहली और दूसरी रो जो हैं ये रशियन नोज़ल्स हैं और थर्ड रो में सभी बेसिक नोज़ल्स हैं जो हमें अक्सर ज़रूरत में आ ही जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम रशियन नोज़ल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हर नोज़ल पे एक अलग डिज़ाइन है। इससे आप तरह तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर फ्लावर्स बनते हैं। आप ये रोज टिप देखिए इसमें, ये मैंने यूज़ भी की थी। इससे मैंने एक केक बनाया है रोज टिप को यूज़ करके और बहुत से लोगों ने उस पर मुझसे ये क्वायरी की थी कि आपने कौन सा नोज़ल यूज़ किया है। इससे बहुत ही अच्छे रोज़ बनते हैं और बहुत ही इजी है इनको यूज़ करना। ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अगर ये मार्केट में आपको नहीं मिलते हैं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ये इसी तरह से इसका सेट आता है तो पूरा सेट आप ख़रीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी इससे आइसिंग होती है। इसी तरह से ये दूसरी तरह के रशियन नूडल्स हैं। इससे आप तरह तरह के रफल्स और फ्रिल्स बना सकते हैं। अगर आपने मेरी बारबी डॉल बेड केक की वीडियो देखी होगी तो मैंने बेड में जो साइड में फ्रिल्स बनाई हैं वो इसी नोज़ल से बनाई हैं। बहुत ही अच्छे फ्रिल्स बनते हैं इससे। और किसी भी डॉल केक को आप इससे बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप डॉल केक बना रहे हैं उसकी ड्रेस आप इसके साथ बना सकते हैं। तो ये हमारी रशियन नोज़ल्स की बात हो गई। मार्केट में इस साइज़ के भी नोज़ल्स आते हैं। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है और ये रोज़ टिप है। अगर आपने मेरी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग से बने हुए रोज़ेस की वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि मैंने वहाँ पे यही रोज़ टिप यूज़ की है। तो अगर आप बड़े साइज़ के रोज़ेस बनाना चाहते हैं या फ्लावर्स बनाना चाहते हैं तो आप ये टिप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं और मार्केट में ये भी आपको ईज़िली मिल जाएंगे। इसी तरह से मेरे पास ये स्मॉल टिप है, ये भी रोज़ टिप है। अगर आप स्मॉल साइज़ के रोज़ेस बनाना चाहते हैं तो आप इससे बना सकते हैं। अगर आपने मेरे रोज़ कप केक की वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पे यही टिप यूज़ किया है। इसी तरह से बहुत सारी वैरायटी आपको मार्केट में मिल जाएगी। केक को अगर आपको ग्रास का डिज़ाइन देना है या किसी और तरह से डेकोरेट करना है तो आप ये नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये स्टार नोज़ल है जो अक्सर हम केक्स में यूज़ करते हैं, कपकेक्स में यूज़ करते हैं या किसी भी स्मूदी को डेकोरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। केक को बॉर्डर देने के लिए हम कुछ इस तरह का नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कौन सा नोज़ल कहाँ यूज़ करते हैं। इसी तरह से ये स्मॉल स्टार टिप है। स्टार नोज़ल सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। और इसी तरह से ये लीव्स बनाने के लिए भी नोज़ल मार्केट में मिलते हैं। जब हम रोज़ बनाते हैं और साइड की लीव्स बनाने के लिए भी हमें इस तरह का नोज़ल मार्केट में मिल जाता है और इसमें भी साइज़ आते हैं। आप बड़े साइज़ का नोज़ल भी ले सकते हैं और छोटे साइज़ का नोज़ल भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी लीव्स इसमें बनती हैं। और रोज़ टिप के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इसी तरह से एक छोटे साइज़ का स्टार नोज़ल मेरे पास और है। और अगर हमें केक पे कोई मैसेज लिखना होता है लाइक हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी तो हम इस टाइप का नोज़ल यूज़ करते हैं। मार्केट में इस तरह के अटैचमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी फ्लावर बनाना है या कोई भी डिज़ाइन बनाना है जिसमें आपको तीन कलर यूज़ करने हैं तो इस तरह से आप ये अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो तीन अलग अलग कलर की आप विप क्रीम यूज़ करें और तीन अलग उनको आइसिंग बैग में करें और इसको इस तरह से आप अटैच करके और नोज़ल आगे लगा के आप कोई भी डिज़ाइन कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। बस आपको तीन अलग अलग आइसिंग बैग में तीन अलग अलग कलर करने हैं और इसको इस तरह से अटैच करना है और नोज़ल आप जो भी मनचाहा लगा सकते हैं इसमें और डिज़ाइन बना सकते हैं। तो
तो फ्रेंकली स्पीकिंग जो हमारे बेसिक नोजल्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं जब भी हम कभी केक को डेकोरेट करते हैं या किसी भी तरह की स्मूदी और शेक्स को हम डेकोरेट करते हैं। रशियन नोजल्स बहुत ही रेयरली यूज़ में आते हैं, कभी कभी जब आप कोई केक बनाते हैं तभी ये यूज़ में आते हैं और ये थोड़े एक्सपेंसिव भी रहते हैं, लेकिन बेसिक नोजल्स हमें ईजिली मार्केट में बहुत ही रीजनेबल रेट पर मिल जाते हैं। तो आइसिंग नोजल्स की हमने बात कर ली, अब हम फूड कलर की बात करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ लिक्विड, जेल और पाउडर तीनों ही तरह के कलर हैं। तो सबसे पहले हम लिक्विड कलर्स की बात करते हैं। इसमें कुछ कलर होते हैं जैसे रेड कलर है, ग्रीन है, ऑरेंज है और येलो है, ये बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएंगे और इनकी इस तरह से स्मॉल पैकिंग भी आपको मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से ये चॉकलेट ब्राउन कलर आता है, किसी भी चीज़ को अगर आपको ब्राउन कलर देना है या जैसे टेडी बियर केक बनाना है तो उसमें ये कलर बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है। और इसी तरह से मेरे पास इसमें का रेड कलर है, ये देखिए। हो सकता है इसकी आपको स्मॉल पैकिंग नहीं मिले तो आप बड़ी पैकिंग में ये कलर खरीद सकते हैं। लिक्विड कलर आपको किसी भी बेकरी शॉप पे मिल जाएंगे, तो अगर आपको बेकिंग का शौक है या आप अक्सर केक बनाते रहते हैं तो आप इनकी बड़ी पैकिंग भी खरीद सकते हैं। जैसे ये मेरे पास ब्लू कलर है, ये मुझे स्मॉल पैकिंग में नहीं मिला था तो मैंने ये ब्लू लिक्विड कलर बड़ी बॉटल में ही ख़रीदा है और ये भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इसी तरह से ये स्प्रे कलर्स भी मार्केट में आते हैं, जैसे हम कोई फ्लावर बनाते हैं या कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो इसको हम उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इससे इफ़ेक्ट आता है। मैं आपको इसे खोल के भी दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से ये होते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं और बहुत सारे कलर्स इसमें भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे पाउडर्ड कलर के बारे में। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ ऑरेंज रेड कलर है और लेमन येलो कलर है। ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ बेकिंग में ही यूज़ कर सकते हैं या क्रीम के साथ, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के साथ ही मिक्स कर सकते हैं, ये हम नॉर्मल कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी मैंने रसमलाई की रेसिपी बनाई है आपने नोटिस किया होगा मैंने यही येलो कलर यूज़ किया है। और इसी तरह से अभी कभी हम पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं या कोई भी ग्रेवी वाली रेसिपी बनाते हैं अच्छे रेड कलर के लिए, हम उसमें ये वाला कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा सस्ते होते हैं, जेल कलर से और लिक्विड कलर से भी सस्ते में आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे। इसी तरह से ये मेरे पास जेल कलर हैं, ये थोड़े महंगे आते हैं मार्केट में और इसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं और शायद सारे ही कलर आपको इसमें मिल जाएंगे। जेल कलर्स को हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ता है, अगर आप इसे व्हिप्ड क्रीम में या बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग में 3 या 4 ड्रॉप्स भी डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है। ये थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मेरे पास ये वर्ना कॉल के हैं, इसका कॉस्ट 266 रुपीज़ पर बॉटल है, मतलब एक बॉटल का 266 रुपीज़ है। इसी तरह से अमेरी कलर्स आते हैं, उनकी रेंज भी इसी के आसपास होती है, ये थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो जो कलर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं आप वही बाय करें। इसी तरह से मेरे पास ये ब्लैक है और ये रेड कलर है, रेड कलर थोड़ा ज़्यादा यूज़ में आता है। अगर आपने मेरी बार्बी डॉल बैट केक की वीडियो देखी है तो मैंने वहाँ पर यही रेड कलर यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा उस पर कलर आया था। इसी तरह से मेरे पास ये पर्पल जेल कलर है, मैंने बार्बी डॉल केक जो बनाया है डॉल की ड्रेस को मैंने इसी पर्पल कलर के साथ डेकोरेट किया है, क्योंकि उस वाले केक पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कौन सा कलर मैंने यूज़ किया है, तो मैंने वर्ना कॉल का जेल कलर यूज़ किया है। सभी कलर्स की हमने बात कर ली है, जैसा मैंने आपको बताया जेल कलर्स थोड़े महंगे रहते हैं, पाउडर्ड कलर बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे और उसी तरह से लिक्विड फूड कलर्स भी आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। तो जितना आपका बजट हो या जितना आप यूज़ करते हो कलर्स उसी हिसाब से आप बाय करें। अब हम बात करेंगे फूड एसेंस की जो केक को फ्लेवरफुल बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट में इसकी बहुत सारी वैरायटी है, शायद हर फ्लेवर आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या वनीला एसेंस डालना ज़रूरी है या केक में एसेंस डालना ज़रूरी है, जिस तरह की मेरे पास बहुत क्वेरी आती हैं। मैं इस बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एसेंस नहीं डालेंगे तो आपका केक बेक नहीं होगा, बिना एसेंस के भी केक बहुत अच्छी तरह से बेक होगा। एसेंस केक को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देता है, इसलिए हम एसेंस यूज़ करते हैं, मींस उसके फ्लेवर को और बढ़ा देता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये ऑरेंज एसेंस है और अगर आप ऑरेंज केक बना रहे हैं अगर आप उसमें एसेंस ऐड कर देते हैं तो केक में ऑरेंज का फ्लेवर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसी तरह से ये बटर स्कॉच एसेंस है, अगर आप बटर स्कॉच केक बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं तो आप ये एसेंस यूज़ कर सकते हैं। खुश एसेंस है, कई चीज़ों में ऐसा होता है कि खुश का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है अगर आप ठंडाई बना रहे हों, ऐसे में आप खुश एसेंस यूज़ कर सकते हैं।
ये वनीला एसेंस है जो अक्सर हम बेकिंग में यूज़ करते हैं, पुडिंग्स में यूज़ कर लेते हैं, शेक्स में यूज़ कर लेते हैं। पाइनएप्पल एसेंस हम पाइनएप्पल केक को पाइनएप्पल आइसक्रीम बनाने में यूज़ करते हैं। इसी तरह से मार्केट में मैंगो एसेंस भी मिलता है, मिक्स फ्रूट एसेंस भी होता है, पिस्टेचो एसेंस भी मिलता है। कभी कदास ऐसा होता है कि पिस्ता घर में नहीं है और किसी चीज़ में हमें पिस्ता का फ्लेवर देना होता है, तो मैं पिस्टेचो एसेंस को यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है। कश्मीरी केसर एसेंस होता है, आपने देखा होगा मेरी रसमलाई की रेसिपी में। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा केसर डालने का मन नहीं करता तो मैं शॉर्टकट लेती हूँ और मैं कश्मीरी केसर एसेंस डाल देती हूँ। इसी तरह से मैंगो राइप करके भी एक एसेंस मिलता है, इसका फ्लेवर मैंगो एसेंस से थोड़ा सा अलग होता है। आइसक्रीम एसेंस, अगर आपने मेरे कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी देखी है तो मैंने वहीं पर यह आइसक्रीम एसेंस ही यूज़ किया था। और यह है कार्डिमम एसेंस, ज़्यादातर मेरी हर वीडियो में आपने देखा हो मैं कार्डिमम एसेंस और रोज़ एसेंस सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है कि इलायची को क्रश करना है, मेहनत का काम है, तो मैं कार्डिमम एसेंस ऐड कर देती हूँ और बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है। इसी तरह से आलमंड एसेंस आप आलमंड केक बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और यह है रोज़ एसेंस जो कि मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, और आपने देखा होगा मैं जब भी कभी कोई स्वीट डिश बनाती हूँ तो इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसी तरह से ये केवड़ा एसेंस है, अगर आपको किसी भी डिश को केवड़े का फ्लेवर देना है तो आप केवड़ा एसेंस यूज़ सकते हैं। तो इनसे किसी भी डिश का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हम एसेंस को यूज़ करते हैं। और वनीला एसेंस के भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि कौन से ब्रांड का आप वनीला एसेंस यूज़ करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ब्रांड स्पेसिफिक हूँ कि मैं पर्टिकुलर किसी ब्रांड का एसेंस यूज़ करूँगी, जो भी मुझे ईजिली मिल जाता है मैं वही एसेंस यूज़ कर लेती हूँ। तो वनीला एसेंस का तरह रोज़ एसेंस है और ऑरेंज एसेंस है, इनकी भी अलग अलग कंपनीज आती हैं। तो जिस भी कंपनी का एसेंस आपके एरिया में इजीली मिल जाए वो आप ख़रीद सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, सस्ते में आपको मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन ये किसी भी डिश के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं, तो इसीलिए हम एसेंस यूज़ करते हैं। तो एसेंस की बात भी हमने कर ली है। जब हम केक डेकोरेशन की बात कर रहे हैं तो हम स्प्रिंकलर्स को नहीं भूल सकते हैं, तो थोड़ी सी बात हम स्प्रिंकलर्स पे भी कर लेते हैं। इसमें भी मार्केट में बहुत सारी वैरायटी हैं, और जैसा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जितना आपका पॉकेट अलाउ करे या जितना आपका बजट हो उसी हिसाब से आप खरीदें। सिल्वर बॉल्स हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी केक्स पे अगर आप इनको डाल देते हैं या किसी भी डेजर्ट पे आप इसको डाल देते हैं तो उसका लुक एकदम चेंज हो जाता है, वो देखने में बहुत अच्छी लगने लगती हैं। इसी तरह से ये चॉकलेट वर्मिसलीज हैं, जैसे चॉकलेट चिप्स आते हैं ये वर्मिसलीज भी आती हैं। ये भी आप किसी भी पुडिंग में या डेजर्ट में यूज़ कर सकते हैं और केक में भी यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल वर्मिसलीज भी आती हैं, जैसे चॉकलेट वर्मिसलीज हैं वैसी कलरफुल वर्मिसलीज भी आती हैं। और ये किसी भी डेजर्ट में, केक में, अगर आप कसाटा आइसक्रीम बनाते हैं उसमें यूज़ करें, बहुत अच्छी लगती हैं। चॉकलेट चिप्स, इसमें भी मार्केट में बहुत वैरायटी है, डार्क चॉकलेट चिप्स आते हैं, वाइट चॉकलेट चिप्स आते हैं, और दोनों शेड्स को मिक्स करके भी आते हैं। यहाँ ये मेरे पास रेनबो बॉल्स हैं, अगर आप रेनबो केक बनाते हैं तो अगर आप इनको उसमें यूज़ करते हैं बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये मेरे पास पिंक कलर की वर्मिसलीज हैं, मैंने जिस शॉप से इसको बाय किया है उसमें भी बहुत सारे कलर्स थे, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट को फिल करता हुआ हो आप वही कलर यूज़ करें। तरह तरह की शेप्स भी मार्केट में आती हैं, इसमें आपको स्टार शेप मिल जाएगी, हार्ट शेप मिल जाएगा, जो वैलेंटाइंस डे का केक अगर आप डेकोरेट करें तो बहुत अच्छी लगती हैं। और इसी तरह से ये गोल्डन बॉल्स आती हैं, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन इससे केक का लुक एकदम चेंज हो जाता है। तो आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियो में मैंने ये स्प्रिंकलर्स यूज़ किए हैं। इसको यूज़ करने से एक तो केक का लुक चेंज हो जाता है और दूसरा हमें केक डेकोरेट करने में मेहनत भी बहुत कम लगती है। तो हमने सभी उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया जो हमें केक को डेकोरेट करने में बहुत हेल्प करती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपके अगर कोई सजेशंस हैं या आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।